सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों, अगर आप डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो कैसे आप बहुत आसानी से डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बना पाएंगे और क्या क्या प्रोसेस होता है डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने का। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ, करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना होगा कि दोस्तों, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अब दोस्तों, आपको क्या करना होगा, अब दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन में डिजी लॉकर ऐप को इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स डिजी लॉकर ऐप का लिंक दे दिया है। आपको सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपको इसे अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिजी लॉकर होता क्या है। दोस्तों, डिजी लॉकर एक वैलेट होता है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करके रख सकते हैं, और अगर आपको फ्यूचर में कहीं भी इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और आपका डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है तो आप डिजी लॉकर में से आप अपने डॉक्यूमेंट को निकाल के कहीं भी दिखा सकते हैं, कहीं भी आपको जमा कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए डिजी लॉकर का उपयोग किया जाता है कि डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट को सेफली रख सकते हैं, इसके हैक होने की कोई चांसेस नहीं होते हैं और ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों, आप अपने डॉक्यूमेंट को इसमें सबमिट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे आप डिजी लॉकर में अकाउंट बनाएंगे, चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना होगा, दोस्तों यहाँ से आप अपने मोबाइल फ़ोन में डिजी लॉकर ऐप को ओपन करेंगे, और जैसे यहाँ से आप डिजी लॉकर ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको इस तरफ से पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन शो कर रहा है, तो यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा नीचे। जैसे यहाँ से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको इस तरफ सिक्योर का ऑप्शन मांग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते जाना है। इस तरफ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते जाएंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ से लेट्स गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इस तरफ पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, यहाँ से आपको सिंपली गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, या आपको इस तरफ से पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो करेगा, साइन इन का और क्रिएट अकाउंट का। तो दोस्तों, अगर आपने पहले कभी डिजी लॉकर में अकाउंट बनाया है तो यहाँ से आपको साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप आधार कार्ड से या मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट ओपन करके यहाँ से लॉग इन हो सकते हैं। दोस्तों, डिजी लॉकर का एक खास बात और है जो मैं आपको बता दूँ। दोस्तों, अगर आप डिजी लॉकर में एक बार अपना अकाउंट बना ले रहे हैं तो दोस्तों, आप डिजी लॉकर में दोबारा अपना अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि दोस्तों, डिजी लॉकर में अकाउंट बनाते समय आपका आधार कार्ड लिया जाता है, जिससे कि आप दोबारा एक आधार कार्ड का उपयोग दोबारा नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, आप एक ही बार अपना डिजी लॉकर में अकाउंट बना पाएंगे। तो दोस्तों, कैसे अकाउंट बनाते हैं, चलिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ से आपको क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही यहाँ से आपको क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इस तरह से पूरी डिटेल भरनी होगी। यहाँ पे आपका फुल नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मेल यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर और सिक्स डिजिट का यहाँ पे आपको पिन भरना है, सिक्योरिटी पिन, ईमेल आईडी भरना है, और इसके बाद आधार नंबर भरना है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको भर के दिखा दे रहा हूँ, आप भी इसी तरह से बहुत आसानी से यहाँ पे भर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने पूरी डिटेल अपनी भर दी है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको सिंपली नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और दोस्तों, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आपके मोबाइल नंबर पर एक आधार से रिलेटेड ओटीपी जाएगा, जिसको आपको भरना होगा। और जैसे ही आप ओटीपी को भरेंगे, यहाँ पे आपका डिजी लॉकर में अकाउंट ओपन हो जाएगा। दोस्तों, मैंने अभी अभी यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर दिया, इसीलिए यहाँ पे आप दे रहा है दिस आधार इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ डिजी लॉकर, तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है। तो दोस्तों, कैसे आप लॉगिन करेंगे वो भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ। आपको सिंपली क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ से आपको बैक आ जाना होगा। जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो कैसे आप लॉगिन करेंगे, कैसे आप साइन इन करेंगे, चलिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से आपको सिंपली साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, अगर आप चाहे तो मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो आधार नंबर से भी अपना साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आधार नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से अपना आधार नंबर भरेंगे और सिक्स डिजिट का सिक्योरिटी पिन भरेंगे। तो चलिए मैं आपको भर के दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने अपना आधार नंबर और यहाँ पे सिक्स डिजिट का यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन भर दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी जाएगा, और आपको उस ओटीपी को भरना होगा। और जैसे यहाँ पे आप उस ओटीपी को भरेंगे, यहाँ पे आप इस तरह से लॉग इन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा आधार कार्ड शो कर रहा है, और यहाँ पे मेरा आईडी शो कर रहा है, यहाँ पे मेरा आधार कार्ड में जो फोटो है वो फोटो शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप इस तरह से यहाँ पे अपना अकाउंट साइन इन कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप बहुत आसानी से डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बना सकते हैं और साइन इन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे अपलोड किया जाता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उस पर भी वीडियो बना के बता दूंगा। दोस्तों, अगर मैं इसी में बताया तो ये वीडियो और लंबा होता जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको डिजी लॉकर में अकाउंट बनाते समय कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं
आपको उसका सलूशन जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों अगर आपके मन में कोई कमेंट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।